और आज की बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आज बढ़ गए हैं। पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, डीजल की कीमत भी 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। और इस तरीके से पिछले 8 दिन की अगर हम बात करें तो ये दाम 4.90 रुपए तक बढ़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। हालांकि कई ऐसे शहर पहले से है जहां पर पेट्रोल 100 रुपए से महंगा बिक रहा है, दिल्ली में आज ये कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। आज की बात करें तो पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, डीजल का दाम भी 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। और इस तरीके से पिछले 8 दिन में जो बढ़ोतरी हुई है दामों में वो 4.90 रुपए तक पहुंच गई है, करीब करीब 5 रुपए तक ये बढ़ोतरी पहुंच गई है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। इसका कारण बताया जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और तेल की कमी, और ऐसे में तेल संकट को लेकर कीमतें बढ़ती जा रही हैं। देश के कई शहरों में पहले से ही पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। दिल्ली की बात करें, राजधानी की बात करें तो यहां पर अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी की जेब पर इसका जबरदस्त बोझ पड़ना लाजमी है। तो आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं? जल्दी से आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं जयपुर से। पेट्रोल की कीमत यहां पर हो गई है अब 111.81 रुपए, डीजल है 95.31 रुपए प्रति लीटर। जयपुर के बाद बात करते हैं लखनऊ की। यहां पर पेट्रोल की कीमत है 99.96 रुपए और डीजल है 91.48 रुपए। भोपाल में पेट्रोल का दाम है 112.25 रुपए और डीजल 95.75 रुपए प्रति लीटर। अहमदाबाद में पेट्रोल की कीमत 99.92 रुपए और डीजल 94.01 रुपए। इसी तरह से देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है, 100.21 रुपए पेट्रोल और डीजल 91.47 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं, यहां भी 109.63 रुपए, डीजल का दाम है 94.62 रुपए। मुंबई में भी पेट्रोल के दाम कई दिनों पहले ही 100 के पार हो गए थे। पेट्रोल का आज का दाम है 114.98 रुपए और डीजल 99.18 रुपए, यानी कि डीजल भी अब 100 के करीब है मुंबई में। चेन्नई की बात करें तो यहां भी पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार है, 106 रुपए और डीजल की कीमत है 95.05 रुपए प्रति लीटर। देश के कई बड़े शहर जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। महंगाई का यह मार्च, 22 मार्च 50 रुपए घरेलू गैस के दाम बढ़ गए। 22 मार्च के ही दिन 80 पैसे प्रति लीटर हो गया, महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल। फिर 23 मार्च को 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए। 24 मार्च को सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई। 25 मार्च को तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 25 मार्च के दिन 80 पैसे प्रति लीटर की फिर से बढ़ोतरी हो गई। 26 मार्च के दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ और इस बार भी इजाफा 80 पैसे प्रति लीटर था। 27 मार्च के दिन फिर 50 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े और डीजल के दाम में 27 मार्च के दिन 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। 28 मार्च के दिन 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ गया और 35 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हो गया। 29 मार्च के दिन एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 70 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ गए। तो 8 दिन में 4.90 रुपए तक ये दाम बढ़ गए हैं, करीब करीब 5 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल। डीजल की बात करें 4.10 रुपए, पेट्रोल 4.90 रुपए। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.